नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश पर आए कोरोना संकट के समय से ही गरीब मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे सोनू सूद आज सिर्फ एक फिल्म अभिनेता ही नहीं, किसी के लिए भगवान का भी अवतार हो गए हैं। तो वहीं कोई मंदिर में उनकी पूजा कर रहा है, जबकि कोई अपने बेटे और दुकान का नाम सोनू सूद के नाम पर रख रहा है। एक ट्वीट पर लोगों की मदद कर रहे सोनू सूद को लेकर देश में कुछ ऐसा ही माहौल है। सोनू सूद पर लोगों के बढ़ते भरोसे का ही असर है कि लोग अब उनसे बंदर तक पकड़वाने के लिए मदद मांगने लगे हैं। आपको ये जानकर भले ही हंसी आएगी, लेकिन ये सच है। एक शख्स ने सोनू सूद से बंदर पकड़वाने की अपील कर दी, जिससे खुद सोनू सूद भी हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने भी मदद मांगने वाले उस शख्स को निराश नहीं किया, उसकी पूरी मदद की। दरअसल देश के लोगों को ये भरोसा हो गया है कि आप कोई भी मदद मांगिए, सोनू सूद उसे जरूर पूरा करेंगे। यही सोचकर लोग उनसे मदद मांगने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं, तो कुछ लोग उनसे अजीबोगरीब तरह की गुहार लगाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ बासु गुप्ता नाम के एक शख्स ने मोहल्ले में उत्पात मचा रहे लंगूर से छुटकारा दिलाने के लिए योगी सरकार के प्रशासन पर भरोसा न जताते हुए ट्विटर के जरिए सीधे सोनू सूद से मदद मांग ली। उसने सोनू सूद को ट्वीट कर बताया, सर हमारे गांव में एक लंगूर के आतंक के कारण दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि बंदर को हमारे गांव से कहीं दूर भिजवा दीजिए। इस शख्स की गुहार से खुद सोनू सूद भी हैरान रह गए। उन्होंने लिखा, बस अब बंदर पकड़ना ही तो बाकी रह गया था दोस्त, पता भेज ये भी करके देख लेते हैं। लंगूर से पीड़ित शख्स ने जैसे ही सोनू सूद को अपने मोहल्ले का पता दिया, उनकी टीम एक्टिव हो गई और जल्द ही उत्पाती बंदर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए वन विभाग हरकत में आ गया। अधिकारी बंदर पकड़ने में माहिर शिकारियों के साथ कुशीनगर के गांव परवर पार पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद बंदर पकड़ में आया, जिसके बाद फिल्म अभिनेता ने इस पर आए खर्चे के भुगतान की भी पेशकश की थी, लेकिन विभाग ने इसे स्वीकार नहीं किया और खुद खर्च उठाने की बात कही, क्योंकि ये काम वन विभाग का था। बाद में बंदर को गोरखपुर के कुसमी जंगल में छोड़ दिया गया। बंदर को पकड़वाने के बाद खुद सोनू सूद ने ट्वीट कर मजाकिया अंदाज में बताया, लो बंदर को भी पकड़ लिया, अब बोलो इस बंदर को सोनू सूद ने एक ट्वीट पर चुटकियों में पकड़वा दिया। उसने पिछले कई दिनों से मोहल्ले में आतंक मचाया हुआ था, लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। यहां तक कि इस उत्पाती बंदर के काटने की वजह से अब तक दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। जिस शख्स ने इस बंदर से निजात दिलाने के लिए सोनू सूद से मदद मांगी थी, वो खुद मुंबई में नौकरी करता है। लॉकडाउन में भी वो शख्स वही था, उसे सोनू सूद की ओर से पहुंचाई जा रही मदद पर भरोसा था, इसीलिए उसने डायरेक्ट सोनू सूद से ट्विटर के जरिए मदद मांगी थी और सोनू सूद ने भी उन्हें निराश नहीं किया, बंदर को पकड़वाकर ही दम लिया।